यमुनानगर जिले में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद अम्बाला पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अम्बाला पुलिस ने घनौरा बिंजलपुर गांव में गन्ने के खेतों में देर रात रेड मारी। इस दौरान पुलिस ने शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 200 लीटर शराब के 20 से 30 ड्रम मौके से बरामद किए हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई हैं। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं SP कल यमुनानगर के अंदर किसी जहरीली शराब के सेवन के साथ कुछ मौतों के होने का मामला सामने आया था, जिसके दौरान हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि उसका जो सोर्स है वो अम्बाला के मौलाना पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर धनोरा बिजलपुर के पास उसका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसमें शेड के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी लोकल CIA यूनिट्स एंड पुलिस स्टेशन की जो फोर्स थी उसने वहाँ पे रेड की और वहाँ से हमने जो एक गन्ने के खेतों के अंदर वहाँ से एक अबेंडेंड इंडस्ट्रियल शेड पाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे जो जब पूरी मौका मुआयना किया गया तो वहाँ पे कुछ जो पैक्ड बोतलें थी जिनको जला रखा था, और साथ में कुछ ड्रम्स एंड कुछ RO प्लांट और कुछ अन्य इक्विपमेंट्स वहाँ से रिकवर किए गए, और इस पूरे मामले की का संज्ञान लेते हुए अम्बाला पुलिस द्वारा FIR नंबर 410 पुलिस स्टेशन मुलाना के अंदर दर्ज की गई। इसमें मुख्य तौर पे 4 मेन आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया। इसमें अंकित उर्फ मोगली, उत्तम, पुनीत और कपिल, इनके खिलाफ FIR 420, 467, 68, 71 कॉपीराइट एक्ट 328 एंड 308 के अंदर हमने दर्ज की है। और इसमें 2 एक्यूज जो हैं, उत्तम जो कि मालिक था उस जगह का और जिसने वो किराए पे फर्दर आगे दी थी, उसको हमने अरेस्ट किया, और जिसके थ्रू जो पुनीत के थ्रू उसने मोगली को जगह दिलवाई थी उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया। इसमें जो मोगली है ये पहले भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, दारू का और ड्रग्स का काम पहले भी ये करता रहा है। हाल ही में अभी इसके ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी की पॉपी हस्क का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज किया गया था और ये कुछ ही टाइम पहले बेल पे बाहर आया। जशनदीप सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बैच नंबर 16 नवंबर 2021 ओएसिस ओवरसीज डिस्टिली द्वारा निर्मित ब्रांड माल्टा की देसी शराब का सेवन न करें। ये शराब जहरीली हो सकती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि शराब पीने वाले लोग बिना किसी जांच के सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को तो संकट में डाल रहे हैं, साथ ही परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये अभी कहना पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें कोई भी अगर ऐसी खुद बॉटलिंग कर रहा है तो उसके पास जो बॉटल को बंद करने का ढक्कन की मशीन भी होती है, उसके पास जो ENA है वो भी वो कहीं से प्रोक्योर कर रहा होगा, उसने उसमें जो स्टिकर्स हैं वो भी कहीं से उसने उसकी प्रिंटिंग करवाई होगी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं एक बार हमारे जो एक्यूज्ड हम सबको एक बार राउंड अप हो जाते हैं तो हम पूरी तह तक जाएंगे और जो भी इसमें सोर्स है सप्लायर्स हैं वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि कोई इस टाइप की मतलब घटना हुई है तो उसी टाइम हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए और वो जो मेन जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको वहाँ पे रेड भी की गई और जो 2 मेन एक्यूज थे उनको अरेस्ट करने में भी हमने कामयाबी हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब के सिटी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।